हेलो फ्रेंड्स, पिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे पास है सैमसंग A52, इसमें पैटर्न लॉक है। तो पैटर्न लॉक आपको मैं मेथड बताने वाला हूं, आप खुद पैटर्न लॉक निकाल सकते हैं। तो उसका मेथड मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले क्या करना है, फ़ोन आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न लॉक है। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबा के फ़ोन स्विच ऑफ करना है। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है और पावर भी साथ में दबा के रखना है। पहले ये मेथड से होता था पैटर्न अनलॉक, हार्ड रीसेट इस ये मेथड से होता था, लेकिन अब मेथड थोड़ा चेंज हो गया है। एंड्रॉयड 11 वर्जन में मैं आपको थोड़ा अलग मेथड है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले जो ओल्ड मेथड है वो करके आपको पहले बता देता हूँ। ओल्ड मेथड में किया तो क्या हुआ, फ़ोन नॉर्मल चालू हो जाता है। फ़ोन चालू हो गया, हार्ड रीसेट ऑप्शन नहीं आया। जब पैटर्न लॉक होता है तो फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे तो भी स्विच ऑफ नहीं होगा। अब क्या करना है, USB केबल लगाना है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबाना है। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होता है, वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है। ये जो अभी ऑप्शन आया वो डाउनलोड मोड के लिए, जब सॉफ्टवेयर लगाना होता है तो ये मोड ज़रूरी होता है, लेकिन हमें ये मोड की ज़रूरत नहीं है, हमें हार्ड रिसेट मोड की ज़रूरत है। तो हम वापस ट्राई करेंगे। वॉल्यूम डाउन बटन पावर बटन दबा के फ़ोन स्विच ऑफ करना है। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होता है, वॉल्यूम डाउन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है, जैसे मैंने अभी किया। वॉल्यूम अप बटन पावर बटन दोनों दबा के रखना है जब तक रिकवरी मेनू नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी मेनू आ गया। अब USB केबल निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम डाउन बटन से फैक्ट्री डेटा रिसेट आपको सिलेक्ट करना है। वॉल्यूम डाउन से वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है। वॉल्यूम डाउन से फैक्ट्री डेटा रीसेट सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है। तो इस तरह आप पैटर्न अनलॉक कर सकेंगे। फ़ोन नॉर्मल चालू होने में 10 से 15 मिनट लगेगा, तब तक आपको वेटिंग करना है। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।